क्यूबिक फैक्टराइजेशन जो है ना, अगेन ये वन ऑफ द ऐसा टास्क है ना क्यूबिक फैक्टराइजेशन, जो ना हम बोले ना कि जैसे 9th 10th में हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग को स्क्वायर वाला फैक्टराइजेशन सीखना पड़ता है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन जिसको बोलते हैं। यहाँ पे ना क्यूबिक फैक्टराइजेशन ना क्लास 11 में जब तुम जाएगा तो ऑब्वियसली फैक्टराइजेशन चैप्टर तो नहीं होगा, लेकिन वहां पे ना बहुत सारा क्वेश्चन का पॉलिनोमियल को सिंप्लीफाई करने के लिए हमको क्यूबिक फैक्टराइजेशन लगते रहेगा। अब तुम देखना जब हम बोलेंगे क्लास 11 में पड़ेगा 12 में पड़ेगा, इतना घूम घूम के बार बार रिटर्न आते रहेगा ना कुछ बोलने का नहीं। तो ये डिवाइड देने वाला जो प्रोसेस है बहुत कठिन प्रोसेस है और बहुत लेंथी प्रोसेस है। तो हम करेंगे क्या इसको, मेरा पहला काम तो फिक्स रहेगा कि कौन सा वैल्यू के लिए जीरो दे रहा है, कौन सा वैल्यू के लिए ये जीरो दे रहा है, वो काम तो मेरा फिक्स रहेगा। तो भैया एक्स इज इक्वल टू असिफ, हमको यहाँ पे चार नंबर तो मिलने वाला है नहीं, हमको यहाँ पे क्या चार नंबर मिलने वाला है कि हम लिख के दिखाएंगे, बस मन में सोचेंगे कि कौन सा वैल्यू के लिए जीरो आ रहा है। तो भैया कौन सा वैल्यू के लिए जीरो आ रहा है, एक्स इक्वल टू माइनस वन के लिए, एक्स इक्वल टू माइनस वन का क्यूब माइनस वन, माइनस वन डालेंगे तो माइनस माइनस प्लस तेरा माइनस प्लस, तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स दिस इंटायर पॉलिनोमियल विल गिव जीरो, माइनस कितना देगा माइनस वन। तो जिसके लिए जीरो देगा उसको राइट साइड में लेके चलो, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस वन को तीन बार लिख दो, एक बार दो बार तीन बार लिख दिए। ऊपर मेरा क्या है एक्स क्यूब माइनस थर्टीन एक्स माइनस ट्वेल्व लिख दिए, इसको तीन बार लिख दिए। जैसे जिस भी वैल्यू के लिए वो जीरो आ रहा है उसको राइट साइड में ले आइए, अगर वन के लिए जीरो आ रहा है तो माइनस वन लिख दीजिए, टू के लिए आ रहा है तो एक्स माइनस टू लिख दीजिए, माइनस टू के लिए आ रहा है तो एक्स प्लस टू लिख दीजिए। बोलो बात समझ में आया, तीन बार लिख दिए। अब हम क्या करेंगे यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर तीन ऐसा नंबर डालेंगे, चाहे नंबर चाहे एक्स के साथ वाला टर्म, जिसका अल्टीमेट सिंप्लीफिकेशन यही आता हो। तो हम क्या किए भैया, यहां एक्स लिखा हुआ है, आपको चाहिए एक्स क्यूब, तो आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर डाल दीजिए, तो एक्स क्यूब वाला टर्म आइए, ये दोनों भाई मिलके होगा एक्स स्क्वायर वाला टर्म कहीं है ही नहीं है तो उसको काट के हटाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर को कौन काट के हटा सकता है, नेगेटिव एक्स स्क्वायर। तो एक्स आपका यहाँ पे है और आपको चाहिए माइनस, नहीं बोलो माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए, तो यहाँ पे माइनस एक्स डाल दो, काटा दो, तो देख लो प्लस में एक्स स्क्वायर ये देगा माइनस में एक्स स्क्वायर ये देगा, दोनों भाई चले जाएगा, सही बात। तो वैसे भी नहीं था वैसे भी नहीं है, अभी दोनों मिलकर क्या देगा माइनस एक्स, कितना देगा और आपको चाहिए माइनस में थर्टीन एक्स, तो माइनस में 1x आ चुका है और आपको माइनस में और 12x लगेगा तब जाके माइनस में 13x होगा। आप यहां पे 12 दे दीजिए, क्या दे दीजिए, चेक करके देख लो जो चीज दिखा है ये पूरा वही है, x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कट गया, माइनस x माइनस 12x माइनस 13x प्लस माइनस 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 12, तो ये क्या हो गया x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस x माइनस 12, डिवाइड का काम ही नहीं कर रहा, बुलाया। अब ये तो फिर से मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन है, और अगर हमको थोड़ा सा भी बुद्धि है और थोड़ा सा बुद्धि होना ही चाहिए भाई, तो ये वाला को तो आपको फैक्टराइज ही नहीं करना पड़ता है, ये वाला को तो आपको फैक्टराइज करने ही पड़ेगा। बोलो आया कि ऊपर जाइए, आया, आया आया थोड़ा सा आया, कैसे किए फिर से एक और करके दिखा रहे, जैसे देखो ये वाला काम हमेशा फिक्स रहेगा कि कौन सा वैल्यू के लिए मेरे को जीरो दे रहा है, तो चेक करके देखते हैं। एक पे जीरो दे रहा है, ध्यान से देखो जल्दी से, एक पे जीरो देगा नहीं देगा, एक पे क्योंकि दोनों मिलकर पांच देगा, अभी दोनों नेगेटिव होगा नहीं होगा, माइनस पे हो सकता है, तो माइनस एक देंगे तो ये क्या होगा माइनस दो, माइनस एक देंगे तो ये तीन ही होगा, माइनस एक देंगे तो ये प्लस नौ हो जाएगा, और माइनस एक देंगे तो ये दोनों भाई मिलके प्लस बारह, वो दोनों भाई मिलके तो किस पे जीरो दिया, एक्स इज इक्वल टू, तो अगर एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पे जीरो दिया है, एक्स प्लस वन इज वन ऑफ द फैक्टर, एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन तीन बार लिख दो, सही बात। अब यहाँ पे तीन को नंबर डालिए जिसका वैसे ही अल्टीमेटली वही रहे, x आपके पास है 2x क्यूब आपको बनाना है, तो यहाँ पे लगेगा आपको 2x, यहाँ पे प्लस में 2x स्क्वायर आ चुका है, आपको चाहिए 3x स्क्वायर, तो और एक बार x स्क्वायर चाहिए, x पहले से है, x स्क्वायर नहीं x, क्योंकि x तो है प्लस x स्क्वायर, बोलो आया क्या, तो ये क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर, सही बात। ये दोनों भाई मिलके क्या हो गया प्लस x, और बनाना कितना है माइनस में 9x, तो प्लस में x आ चुका है और हमको माइनस में 9x चाहिए, तो हमको माइनस में 10x लगेगा, माइनस में 10x, माइनस में x है माइनस में 10x के लिए माइनस 10 माइनस इनके देख लो 2x क्यूब आ गया, 2x स्क्वायर x स्क्वायर 3x स्क्वायर आ गया, प्लस में x माइनस में 10x माइनस में 9x आ गया माइनस 10 x प्लस 1 नो डिवीजन रिक्वायर्ड। अब ये अगर फर्दर फैक्टराइज होगा तो इसको फैक्टराइज कर लेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। 20 से कितना बनाना है 1 5 माइनस 4 5 माइनस 4 तो क्या हो गया 2x स्क्वायर 5x माइनस 4x माइनस तो ये एक्स प्लस वन इधर से का कॉमन होगा x, तो x अगर कॉमन ले लेंगे भाई तो क्या होगा 2x प्लस 5 माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस 5 तो क्या हो गया x प्लस 1 x माइनस 2
बुलाया, नो डिवीजन रिक्वायर्ड। तो पहला काम फिक्स है, कौन सा वैल्यू के लिए जीरो आएगा, तीन बार लिख देना है, तीन नंबर डालना है इधर ताकि ये वापस से वही आ जाए। बोलो क्लियर है? तो मेरे को एक को करके दिखाओ जो तरीका बोले उससे, ये वाला को।